और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर रवाना हुए, जहां वो आज क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो साथ ही कई अन्य वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये पीएम मोदी का बतौर पीएम नौवां अमेरिकी दौरा है, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच में कई अहम समझौते भी होंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नासाऊ कोलोजियम की मीटिंग में शामिल होंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि साल 2025 में भारत क्वाड की मेजबानी करेगा और इस बार ये मीटिंग अमेरिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, 3 दिवसीय इनका ये दौरा है। अमेरिका दौरे पर है पीएम और क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं अमेरिका बतौर पीएम। ये अमेरिका में 9वीं बार प्रधानमंत्री का दौरा है। कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता भी होगी यूएस और इंडिया के बीच में। तो अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का दौरा वैश्विक स्तर पर कितना अहम साबित हो सकता है, इस पर हमारे संवाददाता अशोक राज अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पीएम मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है, इस पर पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। जी, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में 21 से 23 तारीख तक रहेंगे और वो सबसे पहले क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और क्वाड के बाद एक फेयरवेल पार्टी भी दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के जो प्रमुख हैं उनकी फेयरवेल पार्टी में वो शामिल होंगे और उसके बाद 22 को यानी कि न्यूयॉर्क जब वो वापस आएंगे तो एक भव्य कम्युनिटी इवेंट को वो संबोधित करेंगे, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय मूल के करीब 15,000 से ज़्यादा औपचारिक रूप से नासाओ के उस मेमोरियल स्टेडियम में मौजूद होंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक 26,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन या यूं कहें कि भागीदारी होने की जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी कर ली है। तो एक सबसे बड़ा जो इस पूरे दौरे का प्रमुख अंग है वो है कम्युनिटी इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन हज़ारों भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे और उनके बारे में वो सुनेंगे। उसके बाद तीसरे दिन यानी कि 23 तारीख को जब उनका आखिरी दिन होगा यूएस में, तब वो यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में यूएन के एक भविष्य यूएन समिट फॉर फ्यूचर के ऊपर वो उसमें शामिल होंगे और उसमें वो अपनी बात रखेंगे। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, वहां से वो मौजूद थे हमारे साथ। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा क्यों है खास, पूरी दुनिया की नजर क्यों है इस दौरे पर। जीनी।